रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। जिस तरह आप लोग जानते ही हैं कि चिराग पासवान एक के बाद एक अपनी ही सरकार पर हमला बोलते आ रहे हैं, अब इसी हमले के बीच उन्होंने एक बार फिर से अपनी सरकार पर हमला बोला है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महिला दिवस पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। गोपालगंज पहुंचे चिराग ने कहा कि बिहार में किसी भी थाने में महिला जवान और कर्मी की तैनाती नहीं है, यही कारण है कि अपनी आपबीती सुनाने के लिए पुरुष अधिकारियों के सामने महिला फरियादी असहज महसूस करती हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कार्यक्रम में चिराग पासवान ने डायल 100 नंबर के बहाने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। चिराग ने कहा था कि बिहार में किसी भी दूरदराज के थाने में कोई महिला सिपाही नहीं है, महिला कर्मी नहीं है। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो, महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो, इसको लेकर वो थाना में मौजूद पुलिस अधिकारियों से बताने में सहज महसूस नहीं करती हैं, इसलिए महिलाओं की चिंता वो नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा। चिराग पासवान ने कहा कि वो बिहार की चिंता करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार से जंगल राज को ख़त्म किया है, लेकिन अभी भी बिहार में फिर से अपराध का ग्राफ बढ़ा है। यहाँ 100 नंबर काम नहीं करता, अगर पुलिस का 100 नंबर काम ना करे तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा ही। अपराध को लेकर चिराग ने नीतीश सरकार की भी आलोचना की और उन्होंने डायल 100 को प्रभावी बनाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा वो लोगों से मिलकर फीडबैक ले रहे हैं, आगे इसी फीडबैक पर वो काम करेंगे। चिराग पासवान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में बिहार को सबसे विकसित राज्य बनाना है। आज केंद्रीय बजट में बेहतर शिक्षा प्रणाली लागू कर रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम गर्व करते हैं। आज देश में सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर बिहार प्रदेश देता है। पत्रकार जगत में जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं वो भी बिहार प्रदेश से ही आते हैं, बिहार में वो सामर्थ्य रहा है। बावजूद इसके आज़ादी के 70 साल बाद भी बिहार विकास नहीं कर पाया है। इस मौके पर लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव काली प्रसाद पांडे, जिलाध्यक्ष सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।